सो है गाइस, आज के इस वीडियो हम आप लोगों को बताने वाले हैं जो कि गाइस सबमिट प्रोसेस बताने वाले अपने फेसबुक लॉग्ड अकाउंट में कैसे सबमिट कर सकते हो एकदम जेन्युइनली। जो कि सबमिट करोगे तो अपना फेसबुक लॉग्ड अकाउंट में गेट कोड और योर फोन का ऑप्शन एकदम इजीली ला सकते हो। जो कि गाइस कैसे सबमिट करना है एकदम फुल प्रोसेस बताने वाले इस वीडियो में। जो कि गाइस अगर जिस तरीके से आप हम बताएंगे सबमिट करोगे तो आपके फेसबुक लॉग्ड अकाउंट में एकदम इजीली गेट कोड ऑन योर फोन का ऑप्शन आ जाएगा, या गेट कोड ऑन योर फोन का ऑप्शन या गेट कोड बाय ईमेल का ऑप्शन कुछ इस तरीके से ऑप्शन आने वाला एंड आपका फेसबुक लॉग्ड अकाउंट है एकदम इजीली ओपन हो जाएगा। जो कि गाइस इस वीडियो में सबमिट प्रोसेस ही बताने वाले, तो आपको पूरी वीडियो जरूर एंड तक देखना, जो कि आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला आप लोगों के लिए। सो चलिए गाइस आपको बताते हैं। हाँ गाइस, वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दें, अभी तक आपने गाइस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को जोर सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर देख सकते हो कि चैनल को जोर सब्सक्राइब कर लेना गाइस, एंड गाइस चैनल को जोर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर और पे प्रेस कर लेना ताकि इस तरीके से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर आप तक पहुंचे। सो फटाक से गाइस चैनल को जोर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आपको फुल प्रोसेस बताते हैं एंड आपको एक भी पार्ट को स्किप नहीं करना, अगर आप एक भी पार्ट को स्किप करते हो तो समझ में नहीं आने वाला। सो चलिए आपको लेट्स ही बता सकते गाइस, चलिए आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं। गाइस आपको क्या करना, कोई सा भी अपने ब्राउजर में एक फेसबुक लॉग्ड अकाउंट को लॉग इन कर लेना। यहाँ पर देख सकते हो कि ये फेसबुक लॉग्ड अकाउंट को हम यहाँ पे लॉगिन करके रख लिए, क्योंकि यहाँ पे गाइस ये फेसबुक लॉग्ड अकाउंट में देखें हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे गेट स्टेटस पे हम क्लिक कर देते हैं एंड गेट स्टेटस पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड सो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि कंफर्म यूर आइडेंटिफाई का ऑप्शन आ चुकी है। गाइस ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा काफी सारे फेसबुक लॉग्ड अकाउंट में देखने को मिलता है, जो कि गाइस आपको क्या करना है, फेसबुक में ये चीज प्रोसेस नहीं करना है आपको, ना ही फेसबुक लाइट में करना है, सीधा गाइस आपको ब्राउजर में ये प्रोसेस करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, कंफर्म योर आइडेंटिफाई पे क्लिक कर देना एंड सो कंफर्म आइडेंटिफाई पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपके पास एक ईमेल मांगेगा। सो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं एंड सो गाइस नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हम एक मेन पॉइंट आपको बताते हैं। सो गाइस आपको कोई सा भी एक न्यू ईमेल को क्रिएट कर लेना, जो कि गाइस आपको एक यहाँ पे न्यू ईमेल देना, जो कि फेसबुक के पास फीडबैक जाएगा, जो कि फीडबैक जाएगा तो आपका एक न्यू ईमेल आएगा, तो न्यू ईमेल से जल्दी फीडबैक आपका जो कि सेंड हो जाता है। सो आपको क्या करना है, कोई सा भी एक न्यू ईमेल को क्रिएट कर लेना, यानी कि न्यू जीमेल को क्रिएट कर लेना जाके, जो कि गाइस यहाँ पे हम एक न्यू जीमेल को दे देते हैं। जो कि गाइस चलिए थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करते हैं, जो कि गाइस यहाँ पे हम एक न्यू ईमेल को दे दिए एंड न्यू ईमेल को देने के बाद गाइस यहाँ पे हम कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। सो कंफर्म पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे हम आप लोग को दिखा देते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं एंड दो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाते हैं फिर से एक मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट पे आने के बाद गाइस हम आपको बता दें, यहाँ पे आपको कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट्स देना होता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो जो कि आपके पास यहाँ पे आ जाता है, कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट्स दीजिए। जो कि डॉक्यूमेंट्स में क्या, आपका जो कि पैन कार्ड या बनाओ या आधार कार्ड या वोटर आई डी कुछ भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दे सकते, जो कि गाइस आपको वो डॉक्यूमेंट्स देना जो आपका फेसबुक नेम एंड आपका डॉक्यूमेंट्स नेम मैच करता हो। अगर आपका मैच नहीं करता तो आप फेस यानी कि फेक डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो एकदम जेन्युइनली। जो कि गाइस फेक डॉक्यूमेंट्स को कैसे क्रिएट करना है हम आपको बताएंगे, जो कि आपको क्या करना है गाइस, आपको हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो जो कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है एंड आपका वहाँ पे भी फेसबुक लॉग्ड अकाउंट अनलॉक होता है एकदम ईजिली, जो कि आपका भी एकदम ईजिली आपसे फेसबुक लॉग्ड अकाउंट ओपन नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है, हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हो कि यूज़र नेम एंड गाइस आपको क्या करना है, फेक अकाउंटों से अलर्ट रहना। अगर आप हमारे फेक अकाउंट को फॉलो करते तो आपके साथ स्कैम हो जाएगा, जो कि बहुत ही बंदों के साथ स्कैम हुआ है, आपका आईडी भी चली जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो जो कि गाइस यहाँ पे 11,000 फॉलोअर्स है एंड यहाँ पे हमारे पास जो कि 0 फॉलोविंग है। एंड गाइस आपको फेक अकाउंटों से अलर्ट रहना, जो कि गाइस बहुत ज़्यादा स्कैम कर रहे हैं फेक आईडी। यहाँ पे हम चलते हैं एंड सीधा सर्च में जाके गाइस यहाँ पे हम सर्च करते हैं सीधा टेक्निकल असद। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो कि काफ़ी सारे फेसबुक जो कि यानी कि फेक यहाँ पे अकाउंट से हमारे जो कि बनाए हुए हैं गाइस, एंड यहाँ पे देख सकते हो जो कि गाइस काफ़ी सारे यहाँ पे टेक्निकल असद नाम से आपको यूज़र नेम दिख जाएंगे एंड काफ़ी सारे अकाउंट दिख जाएंगे, जो कि गाइस आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल रहा है वही आपको फॉलो करना है। सो चलिए आपको ट्रिक बताते हैं गाइस आपको क्या करना है। सो गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं सीधा, गाइस आपको क्या करना है, चूज फाइल पे क्लिक करके यानी चूज फोटो पे क्लिक करके आपको वही डॉक्यूमेंट्स दे देना जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो। सो यहाँ पे चलिए हम सब कुछ दे देते हैं, थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स को गाइस अपलोड कर दिए एंड अपलोड करने के बाद गाइस यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा सबमिट का। सो आपको गाइस सबमिट पे क्लिक कर देना है, सबमिट पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको जो कि यहाँ पे फाइनली ये सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो तो थोड़ा सा गाइस यहाँ पे लोडिंग ले रहा है एंड लोडिंग लेने के बाद गाइस जो कि हमारे पास ये फाइनली सबमिट हो गया फेसबुक वालों को। सो गाइस सबमिट होने के बाद गाइस आपके पास जो कि थोड़ी देर के बाद ईमेल आ जाएगा, जो कि ईमेल में जो रिप्लाई आएगा गाइस आपको क्या करना है, कुछ यहाँ पे वेट करना है। वेट गाइस कितने दिन को करना है हम आपको बताते हैं।
फिलहाल के लिए गाइस यहाँ पे 24 आवर्स का वेट करने को बताता है आपको। गाइस क्या करना है, 7 डेज का वेट करना है एकदम जनरली। आपको 7 डेज आपको वेट करना है, 7 डेज के बीच में आपको अपना फेसबुक लाइव अकाउंट को लॉगिन नहीं करना है। अगर आप लॉगिन करते हो जो कि ये सबमिट रहेगा रिजेक्ट हो जाएगा, एंड रिजेक्ट होने के बाद आपको जो कि ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा तो आपका फेसबुक लाइव अकाउंट ओपन नहीं होगा, जो कि गाइस ये कंप्लीटेड प्रोसेस है। इसी तरीके से आप सबमिट करके अपना फेसबुक लाइव अकाउंट को एकदम इजीली ओपन कर सकते हो। सो यहाँ पर देख सकते हो आपको सबमिट करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, जनरली एकदम हेल्प पे क्लिक कर देना है। हेल्प पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको अपना फेसबुक लॉग अकाउंट को डायरेक्ट आपको लॉगआउट कर देना है, हर जगह से लॉगआउट कर देना है। यानी कि गाइस आपको क्या करना है, सबमिट करने के बाद हर जगह से लॉगआउट करना है, कहीं भी अपना फेसबुक लॉग अकाउंट को लॉगिन करके नहीं रखना है। अगर लॉगिन करके रखते हो तो आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा, जो कि रिजेक्ट होने के बाद आपका जो कि अकाउंट ओपन नहीं होगा। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, कुछ कमेंट करके जरूर बताना। गाइस अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर आप प्रेस कर लेना, ताकि इस तरीके से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर आप तक पहुंचे। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, लिए टेक केयर।